उसे अलग थी वो सबसे हसी, आंखें मेरी फिर उसकी आंखों से जमली, एक बारी दो बारी फिर निकली हसी, एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास, मैनू नी पता सी गिलास च की, बट हौली हौली लक नू घुमा के नच दे लगे सो सेक्सी, मैनू मैं तकदा यूनू माहौल में टेंशन बढ़ने लगी, खुदा की कसम न कभी मैंने पी, हाँ फिर भी थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी, रुका न गया मैं गया ओदे कोल, I said I wanna talk, ओ कहंदी मैनू बोल, मैं ओदे नेड़े जाके ओनू पुछिया, baby do you freak like you dance, cause you dance like a pro. नमस्ते भारत, सलाम भारत एंड हेलो भारत। दस का दम में है आज हमारे साथ एक तरफ द किंग ऑफ इंडियन रैप म्यूजिक, द प्रिंस ऑफ हिप हॉप, बादशाह, और हमारी दूसरी तरफ है द मेसमराइजिंग ब्यूटी, द अमेजिंग एक्ट्रेस रवीना टंडन। इतनी तारीफ तो लाइफ में नहीं हुई ना। तो आए खेले आप हमारे साथ दस का दम का नॉकआउट राउंड। बिल्कुल। तुम्हारे साथ खेल रहे हैं रवीना टंडन एंड बादशाह।
ओके सो 10 कदम में पहले खेलेंगे एक अनोखा नॉकआउट राउंड जिसमें होंगे 7 सवाल और जिस भी प्रतियोगी के ज्यादा अनुमान करेक्ट होंगे वो हो जाएंगे ये हो जाएंगे लाइट इयर्स अहेड और खेलेंगे सुपर सवाल मेरे साथ। अच्छा प्लीज यार मेरे को खेलने देना सुपर सवाल। खेल लो मैं चले ही जाता हूं। मैंने आपको अलाउ किया ना मेरे नाम यूज करने के लिए गाने में हाँ। तो आपको अलाउ करना चाहिए कि मैं जीत जाऊं। आपने इतनी छोटी चीज मांगी है मैं तो छोटी चीज अभी तो पार्टी शुरू ही है रवीना जी। ये बहुत बड़ी चीज है भैया 10 का दम है सर बिल्कुल आई मीन मैम बिल्कुल। रेडी लेट्स प्ले 10 का दम। तो आप दोनों का पहला प्रश्न ये है कि व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस हैव एक्सपीरियंस देयर फर्स्ट लव इन स्कूल। कितने प्रतिशत भारतीयों को पहला प्यार स्कूल में हुआ था। टीचर्स से किसको प्यार हुआ था। तो हमारी टीचर ऐसी थी कॉलेज पास करके सीधा स्कूल ज्वाइन किया तो दिल चोरी थोड़ा स्कूल का नाम भी बता दीजिए। सेंट स्टैनिस्लॉस हाई स्कूल। फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड तक स्टैनिश क्लास में थे उसके बाद उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ वहाँ से निकाले गए फिर हमको भेजा गया सिंधिया स्कूल ग्वालियर। वहाँ सुधरे के नहीं आप ना वहाँ से भी। मालूम है क्यों आपको इतना निकाला गया हा? क्योंकि आपके सब प्रिंसिपल्स शायद आदमी थे मतलब इनकी सूरत देखिए इतनी भोली सुशील ऐसे मन करता है ना घर ले जाएं माँ बाप को मिला लें। तो अगर कोई लेडी प्रिंसिपल होती तो कोई इस बच्चे को निकालता था? क्या बात कर रहे हैं बट ये फैक्ट रहा है कि जब भी मुझे बेत पड़ती थी रूलर पड़ता था तो मरहम टीचर्स फीमेल टीचर्स लगाती हैं ऑब्वियसली यू फील रियली रियली सैड। अच्छा अमेजिंग चीज ये हुई कि मैं अपनी स्कूल की टीचर को साइकिल पे बिठा के घर छोड़ता था मैं हाँ। तो सामने बैठती थी वो तो कैरियर निकाल दिया था मैंने जानबूझ के। बटगा डोटगा सब निकाल दिया था तो वो सामने बैठता मैं पेडल मार मार के उनको घर छोड़ा करता था। बट शी वाज लवली। कितनी दूर होता था सर घर। सर 5-6 मिनट दूर होता सर वो। वैसे 5-6 मिनट तो नॉर्मल लोगों के लिए होता था आप कितना टाइम लगाते थे घर छोड़ने में। नहीं सर मैं जो 5-6 मिनट का टाइम हुआ करता था सर वो उसको मैं 2-2.5 मिनट में क्यों 7-8 टीचर होंगे ना 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 ना, ना, ना। सच्चा प्यार एक एक बार होता है सर एक एक बार ही हुआ। सर का सच्चा प्यार सोमवार से रविवार। बादशाह आपका कोई एक्सपीरियंस। सर मेरा तो बहुत सैड एक्सपीरियंस था ट्रेजिक। लड़की बड़ी प्यारी थी मैं 5th में था सर नाम ले दूं मैं ले पायल नाम था सर उसका। अच्छा तो 5th में मुझे बिठा दिया मेरी टीचर ने पायल के साथ तो 5th में इकट्ठे बैठे 6th में इकट्ठे बैठे 7th में इकट्ठे बैठे और 8th में उसने मुझे राखी बांधी सर। आपका मेरा स्कूल में तो नहीं था लेकिन मैं स्कूल में थी और वो कॉलेज में था और वो नेक्स्ट डोर नेबर था और मेरा बहुत भारी भरकम क्रश था उनके ऊपर इतना भारी भरकम कि एक दिन आके मेरी चोटी खींच के बोलता है हाय मोटी हाउ आर यू। मेरा दिल तो पहले वहां टूट गया ठीक है मैंने कहा मैं तो पतली होके दिखाऊंगी
और फिर कट्टू वो कॉलेज गया बाहर, और फिर जब वो वापस आया मैं करीब आई थिंक 20 केजी कम थी और करीब 6 इंच उससे लंबी। वही खत्म हो गया सब, वही मेरी लव स्टोरी का दी एंड हो गया। ये बहुत होता है कि अभी हाल ही में मैं एक लड़के से मिला जी, जिन्होंने मुझे थर्ड फोर्थ फिफ्थ में तबियत से धोया मुझे। हाँ तो वो जब आया ना उस वक्त कितना बड़ा चौड़ा लगता था वो आदमी। हाँ। अब जब मैंने कहा मैं हैरान हो गया कि मैं इससे पिटा कैसे हूँ। तो आपके पास 15 सेकंड है, ऑन मार्क्स गेट सेट रेडी गो। तो रवीना टंडन ने लगाया है 91% पर और बादशाह ने लगाया है 65% पर। सवाल ये था कि व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस हैव एक्सपीरियंस प्यार स्कूल में। आए रोलू तो गोलू बता दें हमको ऑनेस्ट शूट के कितने ऐसे हैं जिनको प्यार स्कूल में हुआ है। लेकिन बोलते नहीं है ना, लड़कियों को भी हो जाता है लेकिन बोलते नहीं है। होता सबको है। बादशाह जीत चुके हैं 20,000 रुपए और पहला पॉइंट। खुद को क्रश हुआ और इन्होंने लगाया है 91% पर। मुझे लगा देखो स्टेटिस्टिकली हम लोग 3 जन हैं यहाँ पे। नहीं मैम, कुछ लोग पढ़ने भी जाते हैं स्कूल में। अच्छा। और तीनों का था स्कूल में कुछ ना कुछ क्रश, सबको तो होता ही। हम तो वेले लोग थे, हीरो हीरोइन बने। आई कंसीड, दिस इज योर्स। तुम 20,000 रख लो, 20 लाख मैं लेके जाऊंगी। सर वैसे बात फर्स्ट लव की हुई है जी, तो लगभग 40 करोड़ हिंदुस्तानी लड़कों को फर्स्ट लव हो गया था जब उन्होंने देखा था टिप टिप बरसा पानी। हाँ फैक्ट है ये, लड़के बारिश में भीग भीग के जो निमोनिया आ रहा था उसको प्यार समझ रहे थे। एनीवे 100 बात की एक बात, उन 40 करोड़ लड़कों में मैं भी था। और सर उस दिन से आज तक ये उम्मीद लगाए बैठा हूं कि आपके साथ उस गाने पे परफॉर्म कर लूं, मेरी लाइफ बन जाएगी। मतलब लड़के जल के मर जाएंगे। चलो यहाँ पे पानी वाले तो पानी का बंदोबस्त करें, बारिश का बंदोबस्त करें। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। मैं आपको फोरग्राउंड में बारिश दे रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आइए आइए। अभी भी पानी है इसके अंदर। हो गया। अभी भी है। तो आपका अगला प्रश्न ये है कि I'd better win घर this. जाना है, घर जाना है बच्चों के पास, इज्जत रखनी है, बस जिता दो एक बार यार। Ready? Yep. अगला प्रश्न आपका ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पतियों ने कभी अपनी पत्नी के पांव दबाए हैं। मैंने वो
100% of Indian husbands have pressed their wife's feet at least once. कितने? मुझे बताओ कि आप पत्नी बनने से पहले दबाएं या पत्नी बनने के बाद? दोनों. पहली बार दबाए थे कि पत्नी बन जाओ, फिर दबाए क्योंकि पत्नी बन गई. आपने सर किसकी पत्नी के पैर दबाए? आपके पैर आपके पति ने दबाए. हाँ, लेकिन हम लोग का रिलेशनशिप बहुत इक्वल है. जब उनके पैर दर्द करते हैं तो कभी मैं फुट मसाज देती हूँ. जब मेरे पैर दर्द करते हैं तो वो फुट मसाज देते हैं. और जब ये उनका गला दुखता है तो मैं गला भी दबाती हूँ. आप दोनों के पास हैं 15 सेकंड और रोनी मार्क्स गेट सेट रेडी गो. रवीना टंडन ने लगाया है 55% पर और बादशाह ने लगाया है 50% पर. तो आए रोलू द गोलू, बताएं कि कितने ऐसे पति हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों के पांव दबाए हैं. स्कोर हो गया इक्वल. रवीना टंडन ये पॉइंट जीत चुकी है. ये आपने डांस किया ना, इसलिए जीतने दिया. आपने मुझे जिताया. अच्छा चलो ठीक है, एक और कोई गाना नहीं है? तो ये रहा आपका तीसरा प्रश्न. कितने प्रतिशत भारतीय घर पर मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल करते हैं? What percent of Indians use a grindstone to grind spices at home? आपके घर पे चलता अभी भी वो? चलता सर. वो हमारे घर पे भी है. बट मैं एक्चुअली वही पूछने वाली थी आपको कि आपके घर का खाना मशहूर है. जी. इनके घर में एक खासियत है, जैसे कहते हैं बरकत होती है कुछ लोगों के घर में, कि इनके दरवाजे खुले रहते हैं. Everyone's invited. सर के घर के बारे में तो ये भी मशहूर है ना, पता ही नहीं होता कौन रह रहा है घर पे. अब वो घर लॉक होना शुरू हो गया है क्योंकि ऐसे 3-4 इंसिडेंट्स हुए हैं कि हम भाई बहनों को लगा कि वो जो रह रहे हैं वहां पर वो किसी ना किसी के दोस्त हैं और वो कुछ साथ साथ 8-8 दिन रह चुके हैं. तो फिर वो फिर आज यार आज ये मटन अच्छा नहीं बना, वो कल ये बना देना जरूर. तो कौन है भाई ये? जैसे बेबी योर फ्रेंड इज नो अरबाज योर्स डैड कौन हो भाई तुम? सो मेनी टाइम्स हैपेंड. कौन हो भाई? इसलिए नहीं, उस दिन पार्टी चल रही थी तो मैं यहाँ पर आ गया था दोस्त के साथ, तो वो भी रह गया, तो फिर वो चला गया मेरे पास घर नहीं रहने के लिए. तो मैं सोचा कि इतना अच्छा माहौल है यहाँ पर, एवरीवन इज सो गुड, तो मैं यहाँ पर रह गया. सर भाई बैग वैग पैक कर निकल यहाँ से. सिलबट्टे की बात है, सिलबट्टे की चटनी खाई आपने? सर सिलबट्टे की चटनी हाँ खाते हैं सर. बहुत अच्छा, स्वाद बनती है. हाँ लेकिन डिपेंड करता है कि कौन बनाए. अगर आप और हम बनाए तो बहुत ही वाहियात चटनी बनेगी. हमारी माएं बनाई तो बहुत अच्छा है. नहीं नहीं चलो क्यों नहीं ट्राई करते हैं. हम दोनों बनाते हैं, आप चखो. पाजी पाजी आ जाओ, पाजी आ जाओ. तो आप लोग के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये है पुदीना जी, ये है धनिया जी, ये है नींबू, नमक स्वाद अनुसार, और ये है अदरक. अदरक चलिए रेडी. ओके रेडी गेट सेट गो. आई लव दिस, आई जस्ट कंप्लीटली लव दिस. दोनों
का घरेलू काम कर लेते हैं। काश मैं ये अपने शादी के पहले जानती। ये चीटिंग है योर ऑनर। नहीं, वो मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। किसे बोला? तुम अपना बनाओ पहले, अपना देखो, अपनी नैया पार करो पहले। कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी, मैं सबके जो बनी हो रामा, कैसे बनी, मैं सबके जो आप चटनी बना रहे हो सैलेड? सर, श्रीलंकन चटनी है। नॉट स्पाइसी, वेरी गुड, इट्स गुड। रुको एक सेकंड, रुको रुको एक सेकंड, एक सेकंड। मैंने तो खा ली, हो गया। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। Any day. And the winner is... Chalo, Rolu, bolo! Yeah! भैया मैं जीत गई, झेला मैंने ये चटनी, मेरे लिए ताली बजाओ। तो सवाल ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय घर पर मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल करते हैं। 15 सेकेंड है आपके पास और ऑनिमार्क्स कैसे रेडी गो। रवीना ने लगाया है 56% पर और बादशाह ने लगाया 30% पर। आए देखेंगे कितने लोग हैं यहाँ पर जिनके पास सिलबट्टे हैं घर पे। ये पॉइंट जीत चुकी है रवीना टंडन। अब आता है आपका चौथा प्रश्न। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर IAS या IPS ऑफिसर बने। What percent of Indian parents want their children to grow up to be an IAS or IPS officer? हमने आपके बारे में सुना कि अगर आप सिंगर और रैपर नहीं होते, इस इंडस्ट्री में नहीं होते, तो आप इन्हीं दोनों प्रोफेशन में से एक प्रोफेशन लेना चाहते हैं। सच है, लेकिन इतना नहीं है कि हर बार मुझसे ही पूछा जाए कि आप IAS, क्योंकि सर IAS बनना बहुत मुश्किल है मुझे। बहुत मुश्किल है। क्यों, आप पढ़ाई में अच्छे थे क्या? वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक था, लेकिन मेरे माँ बाप को गलत फहमी हो गई थी कि ये मेरा मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है। आप क्या बनना चाहती थी अगर आप एक्ट्रेस नहीं बनती तो? ऐसा था कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन वो सब चेंज हो गया एंड सलमान जी की फिल्म मुझे ऑफर हुई और मैं कॉलेज में थी। मेरे सब दोस्तों ने बोला कि सलमान के साथ ऑफर हुई है, प्लीज हम लोग के लिए कर ले, हम लोग के लिए कर ले। रिवॉल्वर से गोली निकलने की बजाय अखियों से गोली मारे हैं। रजनीकांत सर के बाद मैं ही हूं एक जो अखियों से गोली मार सकती हूं।
तो आपके पास 15 सेकंड है, ऑन योर मार्क्स गेट सेट रेडी गो। रमीना टंडन ने लगाया है 65% पर और पाशा ने लगाया 62% पर। Very close. आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय पेरेंट्स वांटेड द चिल्ड्रन टू बी IAS या IPS ऑफिसर्स। कम ऑन रोल द गोलू। आप ही जीत जाओ। ऐसे कैसे हो गया? मुझे खुशी भी है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। या मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। IAS और IPS अभी भी वही होते हैं ना जो हम सोचते थे। जैसे आप अभी रैपर बन गए, लेकिन आपका सपना था, क्योंकि आप गणित में बहुत स्ट्रांग थे जी। तो मैं सोचती हूँ कि इतना आपका गणित अगर स्ट्रांग था जी, तो इसमें कैसे फेल हो गए यार? मतलब थोड़ा तो स्टैटिस्टिक्स मालूम होना चाहिए था। अगर आपका मैथ वाकई इतना अच्छा था तो थोड़ा प्रूव करो, एक टेस्ट ले। या टेस्ट यार नहीं यार। ये टेस्ट लेने के पहले मुझे टीचर की तैयारी करने दो, क्योंकि इन लोग दोनों ने बोला दे फेल इन लव विद द टीचर्स, तो शायद मेरे को देख के थोड़ा इनका दिल भी धड़क जाए। लाओ भैया डंडा वंडा लाओ। अच्छा आप गणित का टेस्ट ले रहे हो, आप बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सब बिगाड़ रहे हो। अरे बाबा, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। यस दुद्दर दुद्दर। दिस मस्ट बी हर्टिंग। या इट्स ऑलरेडी हर्टिंग। या कैन आई ट्राई? ओए। अच्छा आपका पहला सवाल है जी, अब इसको जोड़ो, हम साथ साथ हैं। Listen, excuse me, आपका हाथ लाइए। You're talking in class. अब इसको जोड़ो जी, हम साथ डैश हैं प्लस मिस्टर एंड मिसेस डैश। मिस्टर एंड मिसेस डैश इनका टाइटल होना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक से। पता ही नहीं मिसेस कौन होएगी। हम साथ साथ हैं 7 प्लस मिस्टर एंड मिसेस 427। इतना आसान हो ही नहीं सकता। मिस्टर एंड मिसेस 55 करेक्ट प्लस 7 62 करेक्ट। फुल चीटिंग करके जीते। फुल फुल। नहीं मिस्टर एंड मिसेस 420 पंजाबी फिल्म थी, मैं कंफ्यूज हो गया। दैट वाज मिस्टर 420। हां दिस इज मिस्टर एंड मिसेस 55। श्री 420 था वो। श्री 420। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब अर्जुन की उम्र 2 साल थी तब करण की उम्र उससे आधी थी। अब अर्जुन 50 साल के हो गए हैं तो करण की उम्र कितनी हुई? 49। कैसे? जब अर्जुन की उम्र 2 साल थी तो करण की उम्र थी उनसे आधी, जो कि 1 हो गई। तो फिर 48 साल बाद अर्जुन 50 साल के हो गए और 48 साल बाद करण 49 ईयर्स के हो गए। मैम बच्चे जब एग्जाम में पास हो जाते तो उनको कुछ इनाम दिया जाता है। साल 1991 अगर आप दोनों को याद हो। 91। तू चलिया लगता है कभी तू हो जा। ये
तुझ पे छोड़ा है, तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। कभी कुंडली लगती है, कभी कुछली लगती है, कभी कुछ चांद लगती है, कभी तू पापी लगती है। कभी कुंडली लगती है, कभी कुछली लगती है, कभी कुछ चांद लगती है, कभी तू पापी लगती है। Thank you. अच्छा हाँ, यहाँ पर आप खेल तो रहे हो, लेकिन किस नोबल कॉज के लिए खेल रहे हैं आप? मेरा एक फाउंडेशन है, इट्स कॉल्ड रुद्र फाउंडेशन। रुद्र फाउंडेशन, हाँ जी। इट इज नॉट कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सोशल कॉज के लिए है, तो चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमंस इन डिस्ट्रेस हो या एनवायरनमेंट के लिए हो, एक हम कॉज पकड़ते हैं और उसकी मदद करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सर? सर मैं बीइंग ह्यूमन के लिए खेल रहा हूँ। थैंक यू। लेकिन हम ऐसा करेंगे कि ये भी बहुत अच्छा काम करती है, तो यहीं पे ट्रांसफर मार देते हैं, बीइंग ह्यूमन से हम इनके रुद्रा में ही ट्रांसफर कर देते हैं। चलें आगे बढ़े। आपका पांचवा प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों का कभी किसी शादी में बैंड वाले या डीजे से इसलिए झगड़ा हुआ है क्योंकि उसने उनका मनपसंद गाना नहीं बजाया? So what percent of Indians have at least once in a wedding had a fight with the band organizer or DJ only because they did not play their favorite song? ये मिक्का पाजी के साथ जरूर होगा। या मिक्का पाजी के झगड़े हुए हैं बारातियों के साथ? ये सर होता है बहुत बार, और हम भी कभी कभी ऐसे भागते हुए दिखाई दिए गए शादियों में से। वो मुझे कहते कि जुम्मे की रात गा, मैंने गा दिया, दो बार गा दिया, तीन बार गा दिया, फिर सर मेरे को भागना पड़ा। पंद्रह सेकंड है आपके पास, ऑन मार्क्स गेट सेट रेडी गो। So, Raveena Tandon ने लगाया है 77% पर और बादशाह ने लगाया 35% पर। Come on, Rolu the Golu. ऊपर 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 ऊपर, please. 31%. तो बादशाह जीत चुके हैं 60,000, Raveena है 40,000 पर। So embarrassing, Raveena. I know, yeah. Do you know, पुराने जमाने में ना क्या वो जूट बॉक्स हुआ करते थे ना? बताओ बताओ। हाँ, जिसमें से गाने निकलते थे वो डब्बा। हाँ, जूट बॉक्स। आज हमारे पास है जोक बॉक्स। पाजी आप रैप करो ना। मैंने आप पे तो गाना लिखा है। ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं सर के लिए लिख के लाया हूँ। दिल बड़ा जैसे समंदर, कोई ना जाने क्या है इसके अंदर, रहता मजे में लेता नहीं लोड, हर फिल्म मिनिमम करे 150 करोड़। भाई राइट को लेफ्ट बोले तो लेफ्ट हो जाए, पैंट हिलाए तो स्टेप हो जाए, दिखते हैं हाई फाई, लाइफ जीते हैं शादी, लेकिन सबका एक ही सवाल है कि भाई कब करोगे? अरे बाप रे बाप, एक एक चीज इसमें से निकालेंगे और जो चीज हाथ में आएगी उस शब्द को दिमाग में रख के गाना गाना है। गाना गाना। oh. ये लो भाई, ये आया है, ये चीज है। नो सो इससे कौन सा गाना याद आता है? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त।
चीज बड़ी नहीं पर ऐसे करना पड़ेगा मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त हाँ यू डू दिस ये तो सबसे आसान था क्योंकि ये गाना तो मेरे को आंख से पट्टे भी बांधो मैं सुबह होकर डांस कर सकती हूँ बोलो किसी होटल में जाए ये हमने हमने ये कितनी बार शोज में किया ये गाना और ये पहली बार शायद शो में इन्होंने थोड़ा डांस भी किया होगा मुझे याद है पहला शो पहला कॉन्सर्ट आई थिंक इट वाज 92 और 93 हम लोग वर्ल्ड टूर के लिए गए थे साजन बहुत बड़ी हिट हुई थी उस समय मेरे पास सिर्फ एक फिल्म थी पत्थर के फूल और हम लोग अमेरिका गए थे बहुत सारी मेहनत की हम लोग ने बहुत रिहर्सल्स किए ये भी आते थे रिहर्सल्स पे मैं भी जाती थी और एक वो गाना था टेन टन टेन टेन टन टेन टेन वाज इट फुल सॉन्ग देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार टेन टन टेन टन तो ये हम लोग का सिग्नेचर स्टेप था एक बार स्टेप दिखाते हैं उनको टेन टन आइए ठीक है वो वाला टेन टन टेन देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार तो ये पहली बार स्टेप हुआ फिर दूसरी बार मेरा ये स्टेप था कि टेन टन 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 देखा है पहली बार साजन की आंखों देखूं तो साजन है ही नहीं मैंने ऐसे टर्न किया और ये हाथ रखूं तो सलमान जी है ही नहीं ये चल चुके थे स्टेज के एज पे बैठे थे लड़कियां मर रही थी गिर रही थी और ये चॉकलेट खोल रहे थे और ये एक चॉकलेट का टुकड़ा खाएं दूसरा चॉकलेट लड़कियों को फेंके एक टुकड़ा खाएं दूसरा चॉकलेट लड़कियों को फेंके उसके बाद मैंने रिहर्सल पे आना बंद कर दिया ओके मेरी बारी ओए हाय सर काहिलो खटिया जाड़ा लगे 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 जाड़े में बलमा प्यारा लगे काहिलो खटिया जाड़ा लगे सर काहिलो खटिया बादशाह आपका बहुत अरसे से कोई एल्बम एल्बम नहीं निकला कुछ कर रहे हो अभी सर मेरा एल्बम आ गया है आ गया है आ गया एक आध गाना सुना दो उसमें से अगर चाहो तो बिल्कुल सुना देता हूँ मुझे मालूम है मेरा चेहरा तेरे दिल का सुकून है तू भी मेरे अंदर दिल में बैठा खून है कहने को दूर है दिल के करीब है पैसे का नशा भी जाने जाना एक जुनून है तुझे कैसे मैं बताऊं तू कितनी मासूम है मुझे पता है तू है परेशान क्योंकि मेरी पहली आई पिछले दो सालों से कमिंग सून है पर तू है इतना हार दिल छोटा मत कर साथ मेरे चल मेरा हाथ पकड़ कर आंखों में तुम आंसू लेके सोया न कर बेबी बादशाह की जान है तू रोया न कर मैनू तू ले जाके ते बहुत अच्छे so
आपके गानों से बड़ा ही अलग-अलग गाना है सर, ये पूरी एल्बम ही ऐसी है। ये पर्टिकुलर गाना मैंने कॉलेज में लिखा था सर, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। किसके लिए लिखा था? आपने आपने एक चीज नोटिस की क्या? गाने में सिर्फ इनकी तारीफ है। लॉन्ग डिस्टेंस वाली रिलेशनशिप का तो कोई जिक्र ही नहीं वहां पर। और स्टार्ट के साथ किया था आपने गाना? मुझे मालूम है मेरा चेहरा तेरे दिल का। हाँ, मेरा चेहरा। नहीं, लेकिन कमाल की बात यह है बादशाह कि ये गाना आपने कॉलेज में लिखा था। कॉलेज में इतना सारा टैलेंट जो अब तक उभर के आ रहा है। सो गॉड ब्लेस यू, रियली आई थिंक वेल डन। स्कूल में क्या लिखा था? आप मानोगे नहीं, कोई मानेगा नहीं, चुल मैंने स्कूल में ही लिख दिया था। सीरियसली? नाचे तो दिल्ली हिले है लंदन मटक मटक जैसे रवि ने। तो ये रहा आपका छठा प्रश्न। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों को कभी स्कूल के दिनों में मुर्गा बनाया गया था? What percent of Indian men have at least once been made a murga during their school days? क्या आप मुर्गा बने हो? मैं बना हूँ सर। सर मुझे तो यार सुबह जाता था, दोपहर तक, लंच तक के सर मुझे मुर्गा बनाए रखते थे उन लोग यार। और इतना कंफर्टेबल हो गया था मैं उस मुर्गे की पोजीशन के अंदर कि थकता भी नहीं था। Every single day, या तो लंच के पहले या तो आप, मैं शॉक हो जाता था, अपने से इम्प्रेस हो जाता था कि जिस दिन मुझे नहीं बनाया गया, या मुझे बेंत या रूलर या वो चौक नहीं पड़ती थी या डस्टर फेंक के नहीं मारते, मैं शॉक एज कम होम ऐसे मम नो मुर्गा, नो मुर्गा, नो डस्टर, नो बेंत। अच्छा, बट दे यूज्ड टू डू दिस बिकॉज नॉट फॉर एनी अदर रीजन, क्योंकि पहले माल जम मर दिया, इतना इतना पानी है स्विमिंग पूल के अंदर, गंदा पानी है, दो माले से जम मार दिया पानी के अंदर। oh, तो कभी हाथ टूट गया, तो कभी पैर टूट गया। एक एक मुझे इंसिडेंट याद है, हम सर्कस देखने गए थे, घर पे आया तो वहाँ पे नीचे एक पाइप लगी थी, तो एक चक्कर मार लिया मैंने, दूसरा चक्कर में हाथ छूट गया मेरा और दोनों हाथ के ऊपर आके गिर गया, तो ये दोनों मेरे रिस्ट टूट गए। मैं गया सर, डैडी ये टूट लटके हुए, तो साले तुम बेवकूफ, पड़ा तो आई कुड हियर वन क्रैक इन माय जॉ, ऐसे ये लो जबड़ा मिल गया। और क्यों ऑर्डर दिस? पावर बहुत है फादर में, अभी भी है, अभी भी पड़ती है। मैं आपका सोच रहा हूँ, हार्ट टूट गया फिर भी जा रहे हो, पापा हार्ट टूट गए। तो आपके पास 15 सेकंड है, मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष को कभी स्कूल के दिनों में मुर्गा बना गया था? रवीना टंडन ने लगाया है 49% पर, बादशाह ने लगाया 40% पर। कम ऑन रोलू द गोलू। रवीना टंडन जीत चुकी है और 60,000 रुपए दोनों कमा चुके हैं। वाव, आई एम प्राउड ऑफ दिस पीपल जो मुर्गा बने हैं। रियली प्राउड, आई एम ग्लैड। सब आपके कदम नक्शों पर चल रहे हैं। सब बड़े होके सलमान खान बनोगे। इंशाल्लाह। रवीना टंडन एंड बादशाह दोनों 60,000 रुपए जीत चुके हैं एंड अब खेलेंगे वो सवाल जो के किसी एक को सुपर सवाल खिलवाएगा हमारे साथ। सातवां सवाल यानी के प्रश्न है ये के कितने प्रतिशत भारतीयों को कभी किसी कपल को देखकर
ऐसा लगा है कि लंगूर को अंगूर कैसे मिल गया। What percent of Indians have at least once looked at a couple and thought, लंगूर को अंगूर कैसे मिल गया? कितनी जलन होती है ना? मैं कह रहा हूँ सर, आपने कभी किसी को देख के सोचा है लंगूर के हाथ अंगूर कैसे? All the time. आपके पास 15 सेकंड हैं। अरे बाप रे। मार्क्स कैसे? रेडी गो। ओहो बड़े करीब चल रहे हो। रवीना ने लगाया 61% पर और बादशाह ने लगाया है 60% पर। आए देखें कितने सारे लंगूर हैं जिनको अंगूर मिले हैं। Well played, sir. Well played. But ये हम दोनों का collective answer है sir, एक तरह से सिर्फ 1% ऊपर नीचे। जी हाँ, correct बात है। ये actually जो ये झप्पी पाई है ना इन्होंने, उसके लिए 1% कम कर दिया था। तो आए इसी तरफ आ जाए। पहले वो 60,000 रुपए का चेक मंगा लेते हैं हम बादशाह के लिए। बादशाह ये रहे भाई आपके 60,000 रुपीज। थैंक यू सर। दी ईमेल को जा रहे हैं जो कि रुद्रा फाउंडेशन को जा रहे हैं। सो लेट्स प्ले सुपर सवाल। तो सुपर सवाल एक ही सवाल है। आपने अभी तक जीते हैं 80,000 रुपए। तो अगर ये सवाल आपका सही पड़ जाता है तो आप यहाँ से लेके जाती हैं 8,00,000 रुपए फॉर रुद्रा फाउंडेशन। यस। अगर गलत हुआ तो सिर्फ 80,000। इस सवाल के लिए आपको 10% की खिड़की मिलेगी। जी। और आपका प्रश्न है ये, कितनी प्रतिशत भारतीय पत्नियां अपने पति से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं? What percent of Indian wives are more educated than their husband? देखिए मैं बहुत सारे एनजीओ के साथ काम करती हूँ और मैं ये मौका लूंगी कि लोगों को बताने का कि लड़कियों की शिक्षा कितनी जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग मेट्रो सिटीज में जो रहते हैं, हम बहुत नसीब वाले हैं कि हमको प्रॉपर सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इंटीरियर्स में ज़्यादातर ये लड़कियों की तरफ नहीं होता है। 8वीं तक लड़कियां पहुंचती हैं तो ज़्यादातर पेरेंट्स अपनी बच्चियों को 8th स्टैंडर्ड में ही निकाल देते हैं स्कूल से। तो इस शो के ज़रिए भी मैं विनती करना चाहती हूँ जितने लोग देख रहे हैं कि लड़कियों की अपनी शिक्षा पूरी करने दें, क्योंकि अगर लड़की शिक्षित होगी तो वो अपने पूरे परिवार की उन्नति की तरफ बढ़ेगी और आगे लेके जाएगी। अनुमान लगाइए आप। This is too stressful, yeah. Say na something. मुझे नहीं पता। चल ठीक है। 25-35 कर देते। Ready? Yeah. Set करना चाहेंगे आप? लाओ हाथ साथ में। 1, 2, 3 तोड़ो सोनी का सामान, तोड़ो। तो रवीना टंडन ने सेट किया है 25 से लेके 35 पर। क्रीम तोड़ आंसर। बादशाह की सहमति के साथ। तो आए देखते हैं, रोलू द गोलू बताओ कि कितने ऐसी पत्नियां हुआ मोर एजुकेटेड देन देयर हस्बैंड्स। यार कम तो नहीं कर दिया? नहीं कम तो नहीं। Way to go.
तो अफसोस ये है कि आप ये सुपर सवाल नहीं जीती हैं, लेकिन खुशी की बात ये है कि 45% पत्नियां पतियों से ज्यादा एजुकेटेड हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऑसम। आप यहाँ से 80,000 रुपए लेके जाएंगी और बादशाह 60,000 रुपए, लेकिन हमारे सोनी का दिल बहुत बड़ा है। सोनी की ओर से आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे और आपको भी 5 लाख रुपए मिलेंगे, तो 5,80,000 रुपीज और बादशाह को 5,60,000 रुपीज। सुना कि आपने 10 कदम के लिए एक रैप लिखा है? जी। तो सुना दो। ओके। शुक्रिया मेहरबानी करम, स्वैग से स्वागत है इन 10 कदम, यहाँ आपके होस्ट, भारत के दोस्त, हिंदुस्तान की जान, सलमान खान। अनुमान है लगाना, प्रतिशत है घुमाना, रोलू द गोलू को सही स्पॉट पे टिकाना, क्योंकि 10 गुना रोकड़ा लेके घर है जाना ब्रो। कमाल है, कमाल है, बाकी मैं जीनियस हूं सर, आप जीनियस हो सर। रवीना और बादशाह ने हमारे साथ खेला 10 का दम फॉर अ वेरी गुड कॉज एंड सम मनोरंजन। वैसे भी आप भी अच्छे अच्छे काम करो, इंडिया का बड़ा नाम करो एंड ब्यूटीफुल कर गई चुल।